सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं सेफ के बारे में। ये कहानी है ल्यूक की, जो कि पहले एक पुलिस वाला था, लेकिन सरकार उससे पुलिस के आड़ में कुछ और ही काम करवाती थी। सरकार ल्यूक को एक हिटमैन के रूप में इस्तेमाल करती थी और ल्यूक बड़े बड़े अपराधियों को मौत के घाट उतारता था। लेकिन जल्दी ही ल्यूक को एक षड्यंत्र के बारे में पता चला और उसके बाद उसने गवर्नमेंट का जॉब छोड़ दिया और वो एक फाइटर बन गया और एक रशियन माफिया गिरोह के लिए फाइट्स करने लगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम ल्यूक को फाइट करते हुए देखते हैं और ल्यूक को ये मैच हारना होता है, लेकिन ल्यूक जोश में आने के बाद उस मैच को जीत जाता है और उसके सामने वाला फाइटर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इसीलिए ल्यूक उस फाइटर के घर वालों से माफी मांगने जाता है, लेकिन वो लोग उसे धक्के मार करके बाहर निकाल देते हैं और उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। तभी हमारे सामने चाइना का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम है मे। और मे जब अपने क्लास में होती है तब वो अपने टीचर के मैथ्स में ही गलतियां निकाल देती है और खुद वो उस मैथ को सोल्व कर देती है, जिससे वो टीचर बहुत चक्का रह जाता है। और जल्दी ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है कि इस लड़की का दिमाग बहुत ही तेज है और वो इतनी छोटी सी उम्र में बड़े बड़े मैथ्स को सोल्व करती है। इसीलिए इस लड़की का हेडमास्टर उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि हम तुम्हें एक बड़े स्कूल में भेजने वाले हैं। और इस बात को सुनने के बाद मे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और जब वो स्कूल से वापस जा रही होती है तभी कुछ गुंडे उसे अगवा कर लेते हैं और उसे लेकर के जाते हैं हान नाम के एक माफिया के पास। और हान मे से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है, इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो मे का इम्तिहान लेता है और वो समझ जाता है कि मे का दिमाग वाकई में तेज है। इसलिए वो मे से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें बचपन में ही छोड़ करके चले गए थे और तुम्हारी सिर्फ माँ है और वो भी बहुत बीमार रहती है, इसीलिए अगर तुम हमारा साथ दोगी तब हम तुम्हारे माँ का ख्याल रखेंगे और अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम अभी तुम्हारी माँ को खत्म कर देंगे, बताओ तुम्हें क्या करना है। और मे इनकी मदद करने के लिए मान जाती है। तब ये आदमी कहता है कि इसे कंप्यूटर पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर्स को कोई भी हैक कर सकता है और जानकारियां चुरा सकता है, लेकिन जब तक ये जानकारियां किसी दिमाग में है वो बिल्कुल सुरक्षित है। और हान यही चाहता है कि वो अपनी सारी जानकारियां मे के दिमाग में रखे। इसीलिए वो मे को कहता है कि तुम्हें मेरे आदमी चेंग के साथ न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा और मे भी चेंग के साथ जाने के लिए मान जाती है। तभी हम ल्यूक को देखते हैं जिसके पास उसकी पत्नी का कॉल आता है और उसकी पत्नी कहती है कि उसके घर में कुछ गुंडे घुस आए हैं। इसीलिए ल्यूक जल्दी पहुंचता है अपने घर और वो देखता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है और ल्यूक की पत्नी गर्भवती थी। तभी यहाँ पे वेस्ली नाम का एक आदमी आता है और वेस्ली रशियन माफिया डुचेस्की का बेटा है और इन लोगों ने ल्यूक की पत्नी को इसलिए मारा है क्योंकि ल्यूक को इन लोगों ने उस फाइट में हारने के लिए कहा था, लेकिन ल्यूक उस फाइट को जीत गया, इसीलिए इनका करोड़ों का नुकसान हुआ है। और अब वेस्ली आता है ल्यूक के पास और कहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगा और अब यहाँ से तुम जहाँ भी जाओगे हमारी नजर तुम पे होगी और अगर तुम किसी के भी करीब गए तब हम उस आदमी को मार देंगे, लेकिन अगर तुम खुदकुशी करना चाहो तब हम तुम्हें कभी भी नहीं रोकेंगे। और इतना कहने के बाद वेस्ली यहाँ से चला जाता है, लेकिन अब ल्यूक बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि उसने अपनी पत्नी को खो दिया है। इसीलिए अब ल्यूक सड़कों पे पागलों की तरह भटकने लगता है। तभी हम मे को देखते हैं और मे को अब न्यूयॉर्क में एक साल का समय बीत चुका है और वो यहाँ पे हान के सारे कामों को देख रही है और उसे हान के सारी चीजों के बारे में पता है। तभी रात में जब मे सो रही होती है तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो उसे बताती है कि मैंने उन लोगों को बात करते हुए सुना और मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। और इस बात को सुनने के बाद मे बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। तभी दूसरी तरफ हम ल्यूक को देखते हैं जो ऐसे ही अपना समय बिता रहा है और वो किसी भी धर्मशाला में जा करके सो जाता है। और आज जब वो एक धर्मशाला में होता है तभी एक आदमी उससे बात करता है और वो उससे मदद मांगता है और कहता है कि उसके पैर बिल्कुल खराब हो चुके हैं, इसीलिए उसे नए जूतों की जरूरत है। और इस बात को सुनने के बाद ल्यूक उसे अपने जूते दे देता है, लेकिन जैसे ही सुबह ल्यूक की आंख खुलती है वो देखता है कि उस आदमी को किसी ने मार दिया है। और इसे देखने के बाद ल्यूक समझ जाता है कि ये काम डुचेस्की के लोगों का है, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि अगर ये किसी के भी करीब गया तब वो लोग इसे मार देंगे। तभी हम हान को देखते हैं जो न्यूयॉर्क पहुंच चुका है और अभी हान के हाथ में एक बहुत बड़ा पेपर है जिसपे बहुत सारे नंबर्स हैं। और अब हान मे को कहता है कि इन सारे नंबर्स को याद करो और मे जल्दी ही उन नंबर्स को याद कर लेती है। तब हान उसे कहता है कि अब हम तुम्हें एक दूसरी जगह पे लेकर के जा रहे हैं जहां तुम्हें एक और ऐसा ही बड़ा सा नंबर मिलेगा और तुम्हें उन नंबर्स को भी याद करना है। और अब चेंग मे को लेकर के यहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं डुचेस्की के लोग इन पे हमला कर देते हैं और ये लोग मे को लेकर के यहाँ से जाने लगते हैं। और जल्दी ही मे को लेकर के ये लोग पहुंचते हैं डुचेस्की के पास और अब डुचेस्की मे से पूछने लगता है कि मुझे वो सारे के सारे नंबर्स बताओ, लेकिन मे यहाँ पे झूठ बोलती है। तब ये लोग उसी लड़की को बुलाते हैं जिस लड़की ने मे को खबर दी थी कि उसकी माँ मर चुकी है और वो लड़की मे से चाइनीज में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन मे उसे भी कुछ नहीं बताती। तभी ये लोग उस लड़की को गोली मार देते हैं। तभी दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो चेंग पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और कहता है कि अगर वो लोग उस लड़की को लेकर के गए तब तुम्हें उस लड़की को गोली मार देना चाहिए था, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही बहुमूल्य जानकारी है। इसीलिए अब चेंग कॉल करता है एक पुलिस वाले को जिसका नाम है उल्फ और उल्फ एक भ्रष्ट पुलिस वाला है जो हान के लिए काम करता है। इसीलिए चेंग उसे कहता है कि मुझे वो लड़की चाहिए कैसे भी, जिंदा या मुर्दा। और अभी वो लड़की डुचेस्की के पास है, इसीलिए अब उल्फ बहुत सारे लोगों को लेकर के पहुंचता है डुचेस्की के अड्डे पे और वो अंदर आने की धमकी देने लगता है। इससे सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जब मे देखती है कि सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं तब वो इस चीज का फायदा उठाती है और यहाँ से भाग जाती है।
जाती है। तभी दूसरी तरफ हम ल्यूक को देखते हैं जो मेट्रो की पटरियों के पास खड़ा है और वो यहाँ पे खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। तभी यहाँ पे भागती हुई मे आ जाती है और ल्यूक की नजर पड़ती है मे पे। तभी ल्यूक मे के पीछे डुचेस्की के लोगों को देखता है और यहाँ पे ल्यूक उसी आदमी को देखता है जिस आदमी ने उसकी पत्नी को मारा था, इसीलिए अब ल्यूक इनका पीछा करने लगता है। तभी ये लोग ट्रेन में बैठ करके यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ल्यूक चलती हुई ट्रेन पे लटक जाता है और जल्दी वो ट्रेन के अंदर दाखिल हो जाता है और वो एक एक करके सारे लोगों को मारने लगता है और वो जल्दी ही उस आदमी को भी मार देता है जिस आदमी ने उसकी पत्नी को मारा था। तब तक ट्रेन स्टेशन पे रुक जाती है और मे निकल करके बाहर भागने लगती है, लेकिन बाहर जाते ही इसे दो आदमी मिलते हैं और ये दोनों जासूस हैं, लेकिन ये दोनों लोग उल्फ के लिए काम करते हैं और ये लोग मे को गाड़ी में बैठाने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे फिर से ल्यूक आ जाता है और वो इन दोनों को बेहोश कर देता है और मे को लेकर के जाने लगता है। लेकिन अब ल्यूक के पीछे सारे लोग लग चुके हैं, डुचेस्की के लोग और उसके साथ साथ हान के भी लोग, लेकिन ल्यूक इन सबको चकमा देता हुआ भागता जाता है और जल्दी इन सारे लोगों को बेवकूफ बना करके बहुत आगे निकल जाता है और वहाँ पे मे से कहता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। आज अगर तुम वहाँ नहीं आती तो मैं खुदकुशी कर लेता। तुम चाहो तो मुझ पर विश्वास कर सकती हो और मैं उस पर विश्वास कर लेती है। इसीलिए अब ये दोनों बाहर जाते हैं और अपने लिए नए कपड़े खरीदते हैं और ल्यूक पहुँचता है एक होटल में जहाँ पे वो एक कमरा बुक करता है और मे को लेकर के कमरे में चला जाता है। तब वो मे से पूछता है कि आखिर इतने सारे लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं और तुम कहाँ से हो। तब मे बताती है कि उसका घर चाइना में है और उसके बाद वो हान के बारे में सारी चीजें बताती है और कहती है कि आज सुबह इन लोगों ने मुझे एक बड़े से पेपर पे बहुत सारे नंबर्स लिख करके दिए थे, फिर मुझे उन नंबर्स को याद करवाया और दूसरा नंबर दिखाने के लिए मुझे यहाँ से लेकर के जा रहे थे। तभी रास्ते में कुछ गुंडों ने हम पे हमला कर दिया, उसके बाद मैं वहाँ से भाग गई। और इन दोनों की बातें चली रही होती है तभी हम इस होटल के अंदर चैंग को आते हुए देखते हैं और वो रिसेप्शन पे पूछता है कि यहाँ पे कोई आदमी आया था जिसके पास एक छोटी सी बच्ची है और रिसेप्शन वाले कहते हैं कि हम अपने कस्टमर्स की जानकारी नहीं देते। तभी चैंग इन पे बंदूक तान देता है और कहता है कि मुझे अभी के अभी बताओ वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा, और वो लड़की डर करके बता देती है। इसीलिए अब ये लोग ऊपर आने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जल्दी ही गोलियां चलने लगती है क्योंकि इस होटल के सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। तभी ल्यूक इन गोलियों की आवाज सुन लेता है और वो मे से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई मोबाइल है, और मे कहती है कि हाँ लेकिन मैंने उसे स्विच ऑफ कर दिया था। तब ल्यूक कहता है कि स्विच ऑफ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस मोबाइल से उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया, अब जल्दी के जल्दी उन सारे नंबर्स को एक पेपर पे लिखो। और इस बात को सुनने के बाद मे उन सारे नंबर्स को पेपर पे लिख देती है और उस पेपर को ल्यूक अपने पास रख लेता है और ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं ये लोग अपने सामने चैंग को पाते हैं और चैंग इन पे गोलियां चलाने लगता है और ल्यूक भी उन पे गोलियां चलाता है और जल्दी यहाँ पे चारों तरफ गोलियां चलने लगती है और ल्यूक चैंग के लोगों को मारने लगता है। इसी बीच चैंग के लोग मे को पकड़ लेते हैं और वो ल्यूक पे गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन ल्यूक इन्हें मारता है और एक आदमी को लेकर के खिड़की से नीचे कूद जाता है। तभी पुलिस वाले इसके पीछे लग जाते हैं और ल्यूक यहाँ से भागने लगता है और भागने के बाद जाकर के एक टैक्सी में बैठ जाता है। लेकिन ल्यूक के पास अभी भी उस आदमी का मोबाइल है जिसने उसकी पत्नी को मारा था, इसीलिए ल्यूक उस फोन में देखता है कि उसने आखिरी कॉल वेस्ली को किया था। इसीलिए अब ल्यूक वेस्ली को कॉल करता है लेकिन उसे अपना नाम नहीं बताता और कहता है कि मुझे उस लड़की के बारे में पता है जिस लड़की को वो सारे कोड्स पता है। और ल्यूक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ल्यूक को पता है कि डुचेस्की उन नंबर्स के लिए कुछ भी करेगा और वेस्ली डुचेस्की का ही बेटा है। इसीलिए अब ल्यूक कैसे भी डुचेस्की को पकड़ना चाहता है और डुचेस्की भी ल्यूक के झांसे में आ जाता है। तभी हम उल्फ को देखते हैं जो पहुंचता है मेयर के पास क्योंकि वो दूसरा सेफ मेयर के ही पास है। इसीलिए उल्फ यहाँ पे मेयर को बताता है कि हमने ल्यूक नाम के एक आदमी को देखा है और उस लड़की को वही बचा रहा था। और मेयर जैसे ही ल्यूक का नाम सुनता है वो कहता है कि ल्यूक बहुत ही खतरनाक आदमी है। सबको लगता है कि ल्यूक सिर्फ एक पुलिस वाला था, लेकिन ल्यूक एक पुलिस वाला नहीं बल्कि एक हिटमैन था और वो CIA के लिए काम किया करता था। और ल्यूक का पार्टनर था एलेक्स और इन दोनों ने मिलकर के बहुत सारे लोगों को मारा जिनसे भी सरकार को खतरा था। लेकिन जल्दी ही ल्यूक को एक पुलिस वाले को गिरोह के बारे में पता चला जिसे ल्यूक ने एक्सपोज कर दिया और वो पुलिस वालों का गिरोह था तुम्हारा और तुम्हारा ग्रुप ही सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, इसीलिए वो तुम्हारे ग्रुप को एक्सपोज करने वाला था। लेकिन हम लोगों ने तिगड़म लगाया और हम लोगों ने सारे आरोप उस पे लगा दिए और उसे पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया और उस पे कार्यवाही चलने लगी। इसीलिए वो एक फाइटर बन गया और डुचेस्की के लिए काम करने लगा, लेकिन अब डुचेस्की ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसीलिए ल्यूक बहुत ही खतरनाक है और हम सबको ल्यूक से बच करके रहना चाहिए। तभी हम चैंग को देखते हैं और चैंग मे को लेकर के पहुंचता है हान के पास और हान मे से पूछता है कि क्या तुमने ये नंबर उस आदमी को बताया था, और मे कहती है कि नहीं। तभी चैंग कॉल करता है एलेक्स को। एलेक्स वही आदमी है जो ल्यूक का पार्टनर हुआ करता था और चैंग यहाँ पे एलेक्स को कहता है कि तुम्हें मेयर पे नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि दूसरा सेफ मेयर के पास ही है। तभी हम ल्यूक को देखते हैं जो पहुंचता है वेस्ली के पास और वो उसके आदमियों को बहुत मारता है और वेस्ली को भी, और वो वेस्ली को बंदी बना लेता है और फिर कॉल करता है डुचेस्की को और कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है और अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो मैं अभी के अभी इसे मार दूंगा। और डुचेस्की इसके सवालों के जवाब देने के लिए मान जाता है। तब ल्यूक उससे पूछता है कि उस सेफ के अंदर क्या है जिसका कोड उस लड़की के पास था। तब डुचेस्की कहता है कि उस सेफ के अंदर $30 million है और वो सेफ तुम्हें चाइना टाउन में मिलेगा। तब ल्यूक दूसरे सेफ के बारे में पूछता है और कहता है कि उस लड़की को एक दूसरा नंबर देने के लिए लेकर के जाया जा रहा था। तब डुचेस्की कहता है कि मुझे उस दूसरे सेफ के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। और इस बात को सुनने के बाद ल्यूक फोन काट देता है, लेकिन वो वेस्ली को अभी भी नहीं छोड़ता और वो अपनी डिक्की में ही उसे बंद करके रखता है।
लेकिन अब ल्यूक जानता है कि उस सेफ के पास पहुंचना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि वहां पे हर तरफ हान के आदमी होंगे। इसीलिए अब ल्यूक कॉल करता है उल्फ को क्योंकि वो जानता है कि उल्फ कितना भ्रष्ट है और वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। इसीलिए वो उल्फ को बुलाता है अपने सारे आदमियों के साथ और जब उल्फ इसके पास आता है तब वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि उस सेफ के अंदर क्या है। उस सेफ के अंदर $30 million है और वो सेफ चाइना टाउन के अंदर है और मुझे उसका कोड पता है, इसीलिए अगर तुम मेरा साथ दोगे तब हम पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। और इतने सारे पैसों का नाम सुनने के बाद उल्फ भी मान जाता है और अब ल्यूक उल्फ के सारे आदमियों के साथ पहुंचता है चाइना टाउन जहाँ पे हान के बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन अब ये लोग एक एक करके हान के सारे लोगों को मारने लगते हैं और यहाँ पे चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं और जल्दी यहाँ पे हर जगह लाशें ही लाशें नजर आती हैं। लेकिन हान के यहाँ पे बहुत सारे लोग छुपे होते हैं इसलिए वो बार बार इन पे हमला करते हैं, लेकिन ल्यूक और उल्फ के आदमी उन्हें एक एक करके मारते जाते हैं और वो जल्दी ही सारे लोगों को मार देते हैं। और इन सारे लोगों को मारने के बाद वो पहुंचते हैं सेफ के पास और सेफ के पास पहुंचने के बाद ल्यूक सेफ को खोलने लगता है, लेकिन वो आखिरी कोड को नहीं दबाता और वो उल्फ के सारे लोगों को कहता है कि वो अपने हथियार फेंक दे क्योंकि ल्यूक को इस बात पे पूरा भरोसा है कि ये लोग उसे धोखा देंगे और ये जैसे ही सेफ को खोलेगा ये लोग उसे मार देंगे। इसीलिए ल्यूक इनके सारे हथियार फेंकवा देता है और जब वो देखता है कि इन लोगों ने अपने सारे हथियार फेंक दिए तभी ल्यूक इन सारे लोगों को मार देता है, लेकिन वो सिर्फ उल्फ को जिंदा छोड़ देता है और तब वो सेफ का आखिरी कोड दबाता है। फिर वो उल्फ को आगे बुलाता है और उसे सेफ खोलने के लिए कहता है और सेफ खुलने के बाद हम देखते हैं कि इस सेफ के अंदर सच में $30 million है। तभी हम चाइना टाउन के बाहर का दृश्य देखते हैं और यहाँ पे चारों तरफ पुलिस वाले भर चुके हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गोलीबारी हुई है और पुलिस वाले बाहर ही होते हैं। तभी हम ल्यूक और उल्फ को बाहर आते हुए देखते हैं और इन दोनों के हाथ में दो बड़े बड़े बैग्स होते हैं, यानी कि इन लोगों ने सारे पैसे को निकाल लिया है। लेकिन उल्फ एक पुलिस वाला है इसीलिए कोई भी पुलिस वाला इन्हें नहीं रोकता और उल्फ पुलिस वालों को कहता है कि जल्दी अंदर जाओ और अंदर जाकर के सारे लोगों को देखो कि क्या वो जिंदा है या मर गए, और सारे पुलिस वाले अंदर चले जाते हैं। लेकिन उल्फ और ल्यूक बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद ल्यूक उल्फ को अपनी डिक्की में बंद कर देता है जिस डिक्की के अंदर उसने पहले से वेस्ली को बंद कर रखा है और सारे पैसों को ल्यूक अपने पास रख लेता है और यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ से निकलने के बाद ल्यूक सबसे पहला कॉल करता है एलेक्स को और एलेक्स को कहता है कि उसके पास $30 million है जिसे उसने अभी अभी एक सेफ से चुराया है जो सेफ हान नाम के आदमी का था। तब एलेक्स ल्यूक को बताता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि ये पहला सेफ है और इस पहले सेफ को लूटने के बाद तुमने बहुत सारे लोगों की नींद उड़ा दी है क्योंकि अब उन्हें लगेगा कि तुम दूसरे सेफ के पास भी आओगे और तुम्हें पता है कि दूसरा सेफ कहाँ पे है। तब ल्यूक कहता है कि नहीं। तब एलेक्स बताता है कि दूसरा सेफ है मेयर के पास और उस सेफ के अंदर न्यूयॉर्क के सारे क्रिमिनल्स के डिटेल्स हैं और जितने भी क्राइम हुए उन सब के, इसीलिए लोग उस सेफ को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। और इतना कहने के बाद एलेक्स पूछता है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो। तब ल्यूक कहता है कि मुझे एक लड़की को बचाना है जिसका नाम है मे और अगर तुमने मेरा साथ दिया तब हम $30 million में से आधा आधा बांट सकते हैं। तब एलेक्स कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे दूसरे सेफ का वो डिस्क भी चाहिए और अगर तुम ऐसा करते हो तब मैं मे को जरूर बचाऊंगा। और ल्यूक इस बात के लिए मान जाता है। और अब एलेक्स पहुंचता है चेंग के पास क्योंकि एलेक्स हान के लिए काम करता था और उसे पता है कि चेंग उसे कहाँ मिलेगा। इसीलिए अब एलेक्स जैसे ही चेंग के पास पहुंचता है वो चेंग के सारे लोगों को मार देता है और अंत में वो चेंग को भी मार देता है और इन सबको मारने के बाद वो मे को छुड़ा लेता है। तभी हम ल्यूक को देखते हैं जो मेयर के पास पहुंच चुका है और अब ल्यूक मेयर के सर पे बंदूक रखता है और उसे सेफ खोलने के लिए कहता है और जैसे ही मेयर उस सेफ को खोलता है ल्यूक मेयर को मार देता है और अंदर से वो डिस्क ले लेता है और उस जगह पे पहुंचता है जहां एलेक्स ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। और ल्यूक जैसे ही एलेक्स के पास पहुंचता है हम देखते हैं कि एलेक्स यहां पे तैयार है कि वो ल्यूक और इस बच्ची दोनों को मार दे और सारे पैसे ले ले। लेकिन ल्यूक भी इस बात से वाकिफ होता है कि एलेक्स ऐसा ही करेगा, इसीलिए ल्यूक एलेक्स को कहता है कि मैंने उन पैसों को शहर में बहुत जगहों पे छुपा दिया है, इसीलिए अगर तुम यहाँ पे कुछ भी चालाकी करोगे तब तुम्हें वो पैसे कभी भी नहीं मिलेंगे और अगर तुम्हें वो सारे पैसे चाहिए तब तुम्हें इस बच्ची को छोड़ना पड़ेगा और इस बच्ची को छोड़ने के बाद तुम्हें मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा और अगर इस मुकाबले में तुम जीते तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो सारे पैसे और वो डिस्क कहाँ पे है। और एलेक्स इस चीज के लिए मान जाता है, इसीलिए वो ल्यूक से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी होती है और जैसे ही इन दोनों में मुकाबला होने वाला होता है तभी मैं उस बंदूक को उठाती है और वो एलेक्स के पैर में गोली मार देती है और इस चीज का फायदा उठा करके ल्यूक एलेक्स को मार देता है। तब ल्यूक मे से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और मे कहती है कि मैंने इस आदमी को पहले लड़ते हुए देखा था और इसे हराना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता, इसीलिए मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। और ल्यूक कहता है कि एक बार फिर से तुमने मेरी जान बचा ली। तभी हम हान को देखते हैं जिसे मे का खत मिलता है और मे ने उसमें लिखा होता है कि हमने तुम्हारे सारे पैसे लौटा दिए हैं लेकिन हमने इसमें से सिर्फ $50,000 लिया है और अब हम तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे, लेकिन अगर तुम हमारे पीछे आए तब मुझे तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स पता है और उसके साथ साथ तुम्हारे सारे काले धंधों के बारे में भी पता है, इसीलिए मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन अगर तुम मेरे पीछे नहीं आए तब तुम्हें मुझसे कोई भी खतरा नहीं। और इन सारी बातों को सुनने के बाद हान भी डर जाता है, लेकिन हान को यहाँ पे उसके सारे पैसे मिल चुके होते हैं। तभी हमें पता लगता है कि ल्यूक ने एलेक्स के पास आने से पहले उल्फ को रिहा कर दिया था और उसे $50,000 दिए थे और कहता है कि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है क्योंकि तुमने मेरी मदद की है इस काम में और अब उम्मीद है कि तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। और उसके साथ साथ
ल्यूक ने डिचोस्की को भी कॉल किया था और उसे बता दिया था कि उसका बेटा उसे कहाँ पे मिलेगा। और ल्यूक ने डिचोस्की को ये भी कहा था कि मेरे पास अभी भी वो सीडी है, इसीलिए अगर तुम मेरे पीछे आए तो मैं उन सीडी की कॉपीज पुलिस वालों को भेज दूंगा और उसके बाद तुम्हारे सारे काले कारनामों का पर्दाफाश हो जाएगा। और अब हम देखते हैं ल्यूक को जो पहुंचता है मे के पास और कहता है कि मैं एक अच्छा पिता बनने की कोशिश करूंगा। तब मे कहती है कि मुझे पिता नहीं चाहिए, मुझे एक दोस्त चाहिए जो मेरा हमेशा ख्याल रख सके। और ल्यूक कहता है कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तब मे पूछती है कि क्या हम सुरक्षित हैं, और ल्यूक कहता है कि हाँ अभी तो हम सुरक्षित हैं। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।